ये है लॉजिटेक B170 वायरलेस माउस। इसको आज हम खोलेंगे। इसके लिए चाहिए हमको एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर। तो अभी हम इसको खोलेंगे और देखेंगे अंदर में क्या है। बैटरी को हम खोल लेते हैं। अभी देखेंगे यहाँ पे क्या क्या लॉक है। बैटरी कंपार्टमेंट के अंदर एक लॉक है, अंदर में हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये है वो लॉक, बैटरी कंपार्टमेंट के अंदर है ये। और साइड में ये एक लॉक है, ये आपको दिख रहा है। और इस साइड में ये एक लॉक है, देखिए इस साइड में ये एक लॉक है। तो ये तीन लॉक है जो इस माउस को होल्ड करके रखे हैं। इसको हम खोलेंगे। पीछे में जो क्लिकर पोर्शन है, यहाँ पे हमको कुछ तो दिख रहा है, शायद ये कुछ होल्डर होगा या कुछ हैंगर होगा या कुछ ब्रैकेट जैसा होगा। तो हम पहले ये सामने वाला जो है लॉक को खोल लेते हैं। थोड़ा सा पुश करेंगे इसको, थोड़ा सा धीरे से हम इसे पुश करेंगे। देखिए ये पुश किया तो ये बाहर निकल आया। ऊपर से आप देख सकते हैं ये ऊपर का शेल जो है ये बाहर निकल आया। अभी हम साइड का जो है इसका धीरे धीरे पुश करेंगे। साइड का जो लॉक है इसे धीरे धीरे पुश करेंगे। इसे हम थोड़ा सा पुश करते हैं, कुछ नहीं हुआ। अभी हम दूसरी तरफ का जो है लॉक उसको पुश करेंगे। अब इसे पुश करते ही देखिए ये बाहर निकल आया। देखिए इस तरफ का बाहर निकल आया। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा और पुश करेंगे तो ये भी बाहर निकल आएगा। देखिए हम थोड़ा सा धीरे से पुश करेंगे इसको तो ये बाहर निकल आएगा। देखिए ये बाहर निकल आया। देखिए ऊपर का जो शेल है ये पूरा बाहर निकल आया। देखिए और पीछे में ये दो एंकर है, ये दो एंकर यहाँ पे जो ग्रूव किया हुआ है नीचे के हिस्से में, वहाँ पे ये फंस जाता है ताकि वो पिछला हिस्सा निकल के ना चला आए ऊपर की तरफ। तो अंदर में बहुत ही डस्ट है, इसको हम साफ करेंगे। ये है रोटेटिंग व्हील और उसका मैकेनिज्म। ये है क्लिकर, क्लिकर का जो माइक्रो स्विच है, माइक्रो बटन है। और ये अंदर में और एक क्लिकर दिया हुआ है, ये व्हील का पुश है, ये माइक्रो स्विच यहाँ पे दिया हुआ है। तो अभी हम इसको थोड़ा सा साफ करेंगे, बहुत ही धूल जमा है अंदर में। अब आपको अंदर का जो हिस्सा है पूरा दिख रहा है। ये एक स्क्रू है, स्क्रू को हम खोलेंगे। इसके लिए एक सूटेबल स्क्रू ड्राइवर हमको चाहिए, स्क्रू ड्राइवर हेड। ये हम ले लेते हैं, मैच कर लेते हैं। ये मैच हो गया तो अभी हम इसको लगाएंगे। लगा के हम उस स्क्रू को अनस्क्रू करेंगे। देखिए हम इसको अनस्क्रू करेंगे तो ये जो बोर्ड है ये बोर्ड बाहर निकल आएगा। और इसमें दो लॉक भी लगे हैं, वो कहाँ पे लगे हैं हम आपको दिखाते हैं। अभी देखिए ये साइड की तरफ शायद आपको दिख रहा है, हम आपको पॉइंट करके दिखाते हैं। देखिए ये साइड की तरफ ये एक लॉक है, ये आपको दिख रहा है, ये एक लॉक है। और इस साइड ये एक लॉक है। अभी हम इस लॉक को पुश करेंगे और इस बोर्ड को थोड़ा सा उठाएंगे तो ये बाहर निकल आएगा। इस तरफ का जो लॉक है उसको भी हम थोड़ा सा पुश करेंगे और ये बोर्ड बाहर निकल आएगा। देखिए ये बोर्ड बाहर निकल रहा है। अभी ये जो स्प्रिंग का हिस्सा है इसे भी बाहर निकलना है। ये भी एक लॉक जैसा काम करता है, इसको भी हमको थोड़ा सा पुश करके ही बाहर निकलना पड़ेगा।
इस तरफ से हम थोड़ा सा इसे पुश करेंगे, प्रेशर देंगे, तो ये बाहर निकल जाएगा। स्प्रिंग है इसलिए बहुत ही फ्लेक्सिबल है, लचीला है, तो इसलिए बाहर निकलने में थोड़ा सा डिफ़िकल्टी तो होगी ही। तो इसे हम इस तरफ से एक बार पुश करते हैं। थोड़ा सा जोर लगा के, थोड़ा सा कोशिश करके इसे बाहर निकलना पड़ता है, ये ऐसे ही बाहर नहीं निकल आता। थोड़ा सा इससे हम पुश करते हैं फ्लैट हेड से। देखिए ये बाहर निकल आया, अभी देखिए ये बाहर निकल गया। तो अभी हम इस बोर्ड को ऐसे बाहर निकल सकते हैं। अंदर में आप देख सकते हैं कितने सारे डस्ट है। हम इस डस्ट को क्लियर करेंगे। देखिए ये अंदर का बोर्ड है, बोर्ड का निचला हिस्सा है। बोर्ड के निचले हिस्से में सेंसर का पार्ट और एक स्विच दिख रहा है आपको। ये है रोटेटिंग व्हील, इसको भी हम साफ कर लेते हैं। कितना धूल जमा है अंदर। बोर्ड को भी हम और थोड़ा सा साफ कर लेते हैं। इसके अंदर बहुत सारे क्लिकर स्विच और रोटरी स्विच लगे हैं। अभी हम रोटेटिंग व्हील को यहाँ पे लगा के दिखाते हैं कैसे ये रोटेटिंग व्हील का मैकेनिज्म काम करता है। ये रोटेटिंग व्हील जो है अंदर में एक रोटरी स्विच के साथ कनेक्ट किया हुआ रहता है ऐसे, और जब रोटेटिंग व्हील रोटेट करता है तो ये रोटरी स्विच जो है ये रोटेट करते हैं, और ये एक वेरिएबल रेजिस्टर है, और इस रेजिस्टर के वैल्यू का चेंज होते ही हम स्क्रीन के ऊपर इसका इफ़ेक्ट देख सकते हैं, यानी कि स्क्रोलिंग इफ़ेक्ट देख सकते हैं। हम इस रोटरी स्विच को भी एक बार क्लीन कर लेते हैं ऐसे रोटेट करते, रोटेट करा के। इसका जो कांटेक्ट पॉइंट्स है, थोड़ा सा अगर उसमें कुछ धूल जमा है तो वो हम क्लियर कर लेंगे। ये है ऑन ऑफ स्विच का नॉब जो नीचे के तरफ से दिखाई देता है इसको। ये है ऑन ऑफ स्विच, ये ऑन ऑफ स्विच के साथ ये कांटेक्ट में आता है, और ये ऑन ऑफ स्विच का जो ये नॉब है इसको, ये जो नॉच निकाला, ये जो नॉच है इसको ये ऑन ऑफ करता है। इसके साथ ये कांटेक्ट में आता है, इस नॉच के साथ ये नॉब कांटेक्ट में आता है और ये स्विच को ऑन ऑफ करता है। देखिए ये बाहर का जो चेसिस है उसके साथ ऐसे बैठता है, देखिए ये ऐसे ऑन ऑफ होता है, ऐसे करके ऑन ऑफ होता है ये। अभी इसको हम अलाइन करके इस बोर्ड के साथ बिठाएंगे ताकि स्विच के साथ उसका ग्रूविंग प्रॉपरली हो। तो अभी हम इस व्हील को, रोटरी व्हील को यहाँ पे लगा लेते हैं रोटरी स्विच के साथ। और पिछला जो स्प्रिंग है, ये स्प्रिंग को पहले अलाइन करना पड़ेगा क्योंकि यही लंबा सा हिस्सा है। इसे अलाइन करके ऐसे थोड़ा सा अप दबा देंगे तो ये अंदर की तरफ बैठ जाएगा लॉक में, तभी ये बैठ गया। अभी जो ये स्क्रू है इसको फिर से हम लगा देंगे इसके अंदर। देखिए हम स्क्रू लगा दे रहे हैं, बहुत ही सीधा है, कोई ट्रिक नहीं है। इसको हम ऐसे खोल के साफ़ कर सकते हैं, अगर कोई क्लिकर ख़राब हो जाए उसको चेंज करते सकते हैं, रोटरी स्विच ख़राब हो जाए वो भी हम चेंज कर सकते हैं। ये बाहर का जो ऊपर का शेल है इसको हम थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं, क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि इसमें भी बहुत धूल जमा हुआ था। अभी हम इसको साफ़ कर लेते हैं थरोली। तो ये जो एंकर है इसके साथ ये ग्रूव को मिला के, उनमें डाल के ऐसे, पहले उनमें ऐसे फंसा के धीरे से, उसके बाद ही पिछला जो हिस्सा है
ये हिस्से को हम थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो अंदर लॉक में वो, देखिए लॉक हो गया। तो अभी ये काम कर रहा है, देखिए ऑन ऑफ स्विच भी काम, ये क्लिकर भी काम कर रहा है, ये ऑन ऑफ स्विच भी काम कर रहा है। बैटरी को डाल देते हैं अंदर। ये जो माउस है ये इनविजिबल ऑप्टिकल माउस है। तो ये हो गया हमारा लॉजिटेक B170 इनविजिबल ऑप्टिकल वायरलेस माउस का डिसअसेंबली। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, देखते रहिए लेट्स टॉक विथ चंदन। नमस्कार।